आज स्थिति यह है कि भारत सरकार अगर आप लोगों ने उसके कान खड़े करने का काम नहीं किया तो धीरे धीरे करके ये इज्जत नगर बख्शाब जो इज्जत नगर कारखाना पूर्वोत्तर रेल में लिखा हुआ है जो भारत सरकार का कारखाना है कल यहाँ पर रिलायंस और अडानी अंबानी का कारखाना लिखा जाएगा अगर आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया तो। मैं आप लोगों से ज्यादा देर बात ना करके इतना जरूर कहूंगा कि दो नारे मेरे साथ लगाए इस भारत सरकार के जन विरोधी आंदोलन के खिलाफ। इसकी हमेशा से जब तो ये सरकार बनी है ऑल इंडिया डेवलपमेंट फेडरेशन ने आज जो हमारा रेल बोर्ड के चेयरमैन था इसका अधिकारी के उद्घाटन के समय लखनऊ में मौजूद थे उनको दोस्तों बताने का काम योगी सरकार ने ये प्राइवेटाइजेशन कैसे है कैसे इसको आपने कहा ये गाड़ी प्राइवेट है। ये दो गाड़ी इन्होंने पूरी तेजस गाड़ियाँ IRCTC को इन्होंने जो IRCTC जिस समय हमारी ट्रैक आपके कैटरिंग चलाता है ट्रेनों में उस IRCTC को दो गाड़ियाँ पूरी की पूरी इन्होंने हैंडओवर कर दी है और जिसमें गार्ड और ड्राइवर केवल हमारा रहेगा और उसमें टिकट से लेकर उसमें कैटरिंग से लेकर उसमें सारी व्यवस्था जो होती है जो टिकट सेलिंग से लेकर सारी प्राइवेट हाथों में है वो IRCTC उसका मुनाफा लेगा। रेलवे से उसका कोई मतलब नहीं। रेलवे ने एक फिक्स अमाउंट में उनको दे दिया जैसे बेच दिया है या मतलब ठेके पे दे दिया है उस टाइप से काम किया जो कि एक ये ठेके पे देना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारी IRCTC जो कैटरिंग चलाती है उसमें आपने देखा होगा पेंट्री कार में तरह तरह की ये लोग गलत पानी भेजते हैं जो कि प्रिस्क्राइब नहीं वो भेजते हैं तरह तरह की उसमें शराब और क्या क्या तस्करी करते हैं। जब पूरी की पूरी गाड़ियाँ आप ठेके पर दे देंगे प्राइवेट निजी हाथों को दे देंगे तो उसमें कौन सी तस्करी हो रही है उसमें कौन सा RDX ले जा रहा है कौन से आतंकवादी जा रहे हैं ये रेलवे की सुरक्षा ही नहीं है पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि कतई ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ये देश के साथ खिलवाड़ है और देश की जनता के साथ खिलवाड़ है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया। धरना प्रदर्शन था क्या वजह है इसकी? आज एनी रेलवे मजदूरों ने इज्जत नगर वर्कशॉप पर जो विरोध प्रदर्शन किया है उसके पीछे सबसे बड़ा विरोध का कारण ये है कि जिस तरह से सरकार रेलवे में निजीकरण निगमीकरण की बात कर रही थी आज उसका उदाहरण देखने को मिला और जो भारतीय रेल को बेचने की जो साजिश है उसमें पहला कदम भारतीय रेल ने इस सरकार ने रख दिया है। आज तेजस गाड़ी जो पूरी की पूरी प्राइवेट है वो लखनऊ से रवाना योगी जी ने की है और जिसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड वगैरह सब लोग शामिल थे। आज सुबह उन्होंने जिसको उद्घाटन किया उसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने वहाँ पर बहुत बड़ा विरोध किया है उसका कि जिस तरह से रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है। भारतीय रेल को अगर छोटी लाइन से लेकर नैरो गेज से लेकर और आज ब्रॉड गेज और स्टीम इंजन से लेकर इलेक्ट्रीफाइड होने तक का काम अगर किसी ने किया है भारतीय रेल पर जो उन्नति की है भारतीय रेल में किसी ने तो वो केवल और केवल रेलवे कर्मचारियों ने की है। उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पर रेलवे इतनी फास्ट गाड़ियाँ चलाने जा रही है चला रही है लेकिन जब बिल्कुल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पर आ गया है एकदम टॉप लेवल पर आ गया है तो हमारे जो सरकार है वो दूसरे लोगों को आमंत्रित कर रही है कि मलाई आप लोग खाएं आके और प्राइवेट हाथों में जो प्राइवेट हमारे यहाँ पर आ रहा है काम करने के लिए जो गाड़ी हमारी प्राइवेट चला रहा है वो मुनाफा कमाने के लिए आ रहा है कोई हम लोग को बांटने के लिए नहीं आ रहा है। तो जब वो आएगा हमारे बीच में हमारी गाड़ियाँ चलाएगा तो वो केवल और केवल पैसा कमाएगा। आज जो गरीब आदमियों के लिए रेलगाड़ी सबसे सरल सुलभ साधन था यहाँ से पीलीभीत अगर आपको जाना है तो 10 रुपये में आप पहुँच जाएंगे लेकिन जब प्राइवेट हाथों में ये गाड़ी पहुँच जाएगी और जो ठेके पर लेगी बड़े बड़े पैसे बड़े बड़े टाटा अंबानी अडानी वो ले लेंगे तो 10 रुपये में नहीं ले जाएंगे। आज गरीब आदमियों के लिए दिक्कत पैदा करने वाली बात है। वही रेल कर्मचारियों के लिए रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इस रेल को यहाँ तक पहुँचाया है वो आज प्राइवेट हाथों में देने की जो साजिश है वो कतई ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है उसी कड़ी में हम लोगों ने आज एक नगर में रेलवे वर्कशॉप पर ये विरोध किया है।